दमन में भी अब 5 KG एलपीजी गैस सिलेंडर की सुविधा सुलभ हो गई है। मशाल चौक से आगे एयरपोर्ट रोड स्थित स्मिथ पेट्रोल पंप पर कलेक्टर संदीप कुमार सिंह ने आज 5 KG फ्री ट्रेड एलपीजी गैस सिलेंडर सुविधा का लोकार्पण किया। अब कोई भी व्यक्ति वैध फोटो आईडी वाला पहचान पत्र दिखाकर निर्धारित राशि देकर ये छोटा सा गैस सिलेंडर ले जा सकता है। स्मिथ पेट्रोल पंप प्रबंधन का कहना था कि बड़े शहरों की तर्ज पर अब दमन शहर में भी 5 KG एलपीजी गैस सिलेंडर सुविधा उपलब्ध हो गई है। पहली बार सिलेंडर के 800 रुपये प्लस GST चुकाकर कोई भी व्यक्ति यह छोटा गैस सिलेंडर हासिल कर सकेगा। 150 रुपये और GST टैक्स की रकम देकर बर्नर और हॉज गैस पाइप पाई जा सकती है, जिससे खाना पकाने में मदद मिलेगी। दूसरी बार सिर्फ गैस भराई के 350 रुपये भुगतान करके छोटा भरा हुआ सिलेंडर कोई भी व्यक्ति पा सकता है। सरकार की कोशिश है कि मॉल और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी 5 KG एलपीजी गैस सिलेंडर की बिक्री शुरू कराने की है। ऐसे में उपभोक्ता 350 रुपये देकर भरा हुआ छोटा गैस सिलेंडर वहाँ से भी हाथों हाथ ले सकते हैं। पहली बार 800 रुपये प्लस GST चुकाने के बाद सिलेंडर उपभोक्ता का हो जाता है, जिसे सरेंडर करके ग्राहक 500 रुपये ले सकता है। प्रबंधन के मुताबिक ये छोटे गैस सिलेंडर माइग्रेट और उन लोगों के लिए लाभदायी है जो किन्हीं वजहों से 14 KG वाले LPG गैस सिलेंडर नहीं ले पाते हैं। आज यहाँ पर हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ये दमन में हम लोग ये 5 KG FTL माने फ्री ट्रेड LPG लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है। मैं इसलिए इसको ऐतिहासिक मोमेंट कह रहा हूँ क्योंकि दमन में इंडियन ऑयल का जो पॉपुलर ब्रांड है, LPG का पॉपुलर ब्रांड है इंडियन, आज तक हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया है। आज ये पहला अवसर है जब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपना इंडियन LPG ब्रांड आज इस इवेंट के थ्रू हम लॉन्च करेंगे, इसलिए ये एक हमारे लिए बहुत बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है। जब आप गैस सिलेंडर लेते हैं तो ये 800 रुपये का पड़ता है प्लस GST, और इसके साथ साथ आपको प्रोडक्ट की प्राइस देनी पड़ती है जो हर महीने इंटरनेशनल जो प्राइस होती है उससे बदलाव होता है। आज की तारीख में दमन में इसकी प्राइस 350 रुपये पर 5 KG FTL सिलेंडर है, और इसके अलावा आप प्रेशर रेगुलेटर और सुरक्षा होस भी आपको वही पॉइंट ऑफ सेल से मिल सकते हैं। प्रेशर रेगुलेटर 150 रुपये प्लस GST मिलता है, और सुरक्षा होस 100 रुपये प्लस GST में मिल जाता है। और इसमें एक और विशेष बात यह है कि अगर आपने सिलेंडर जैसे किसी कारणवश आप ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं इस 5 KG स्कीम FTL के स्कीम के अंतर्गत, तो आप ये अपना 5 KG सिलेंडर जो है वो वापस भी अपने जहाँ से आपने ये डिस्ट्रीब्यूटर से लिया था, डीलर से लिया था, वो आप वापस कर सकते हैं। बायबैक ऑप्शन है और उसमें आपको 500 रुपये वापस मिल जाते हैं। तो पूरी तरह से अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीम है और उन लोगों के लिए केंद्रित है जिन लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके पास उनके पास जो मैं थोड़ा आपको ये सिर्फ कवर करना चाहूँगा कि जैसे आप सबको पता है कि भारत सरकार का ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि LPG जो है एज ए प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कुकिंग के काम में आता है, थोड़ा इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, थोड़े इस पर व्हीकल भी चलते हैं, लेकिन 90% आज जो भी हमारा कंजम्पशन है ये सारा डोमेस्टिक के लिए है, कुकिंग के लिए है। कुकिंग के लिए आपको पता है कि 14.2 KG का जो स्टैंडर्ड सिलेंडर है वो सब्सिडाइज सिलेंडर है और उसके ऊपर में सब्सिडी मिलती है, बट सब्सिडी अगर लेनी है तो कस्टमर्स को थोड़ा कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके पास, प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि कहीं ना कहीं पे हमारे बहुत सारे ऐसे उपभोक्ता भी हैं, पॉसिबल उपभोक्ता, जो कि LPG का यूज़ कर तो सकते हैं लेकिन उनके पास सारे डिटेल्स नहीं हैं। कुछ माइग्रेंट लोग हैं जो सुबह से शाम तक तो कुछ काम करते हैं, या स्टूडेंट्स हैं। तो अब ये हुआ डिस्कशन कि जो तो घर पे कुकिंग हो रही है उस पे तो चलो ठीक है अभी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा है LPG जो है बहुत सेफ़ है, रिलायबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और सबसे ज़्यादा इसका आपने देखा होगा, आपने कभी ऐड भी देखेंगे पीछे भी लगा है कि महिलाओं को मिला सम्मान, और उनका सबसे अच्छा है कि उनका सेहत पे जो काला धुआं या पहले जो ईंधन वगैरह यूज़ करते थे उसकी वजह से उनका जो हेल्थ हजार्ड था वो इसकी वजह से टोटली ख़त्म हो गया है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि IOCL जो कि इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च कर रहा है, आपने मुझे इस समारोह में इनवाइट किया, और प्लस
ये जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसके बारे में जानकारी दी और मुझे मालूम पड़ा। जैसा आपने बताया कि 2013 से ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में है, बट इसकी जानकारी जो है मुझे भी नहीं थी, और प्लस यहाँ पे हमारे कई लोग जो आज आए होंगे शायद उन्हें भी पहले से इसकी जानकारी नहीं रही होगी। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक स्टेप है लोगों को क्लीन फ्यूल दिलाने की ओर। और जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, पिछली शताब्दी की, कई सारे लोगों को अनुभव होगा कि उस समय जैसे मोबाइल एक लग्जरी आइटम हुआ करता था, वैसे ही गैस सिलेंडर भी एक लग्जरी आइटम हुआ करता था। और घरों में जहाँ पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ है वहाँ पर गैस सिलेंडर की बजाय केरोसिन स्टोव वगैरह यूज़ हुआ करते थे। इसलिए टीवी वगैरह में कभी आप देखते होंगे एक्सीडेंट केसेस वगैरह कुछ अगर आप देखते होंगे तो केरोसिन स्टोव के एक्सीडेंट केसेस वगैरह ज़्यादा आपको सुनाई देते होंगे, या फिर अब जो है गैस काफ़ी यूज़ होता है, लेकिन गैस का एक्सप्लोजन या गैस का जो केसेस है वो आपको उतना सुनाई नहीं देता है, उतना आपको जो है मालूम नहीं पड़ता है, बिकॉज ये काफ़ी, जैसा कि हमारे लामा जी ने बताया कि ये बहुत ही एक सेफ फ्यूल है और एक बहुत ही इसमें सेफ्टी वगैरह जितना भी है सिलेंडर को बनाने में वो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा गया है, इसीलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें उपयोग करना चाहिए। और प्लस हमें कई बार ध्यान नहीं होता है, जैसे कि अगर किसी आप ट्राइबल एरियाज में जाएंगे या कहीं पर आप गाँव में जाएंगे, प्लस हमारे दमन में भी कई जगह पर गाँव में जाएंगे, वहाँ पर लोग जो है लकड़ी पर खाना बनाते हैं, बिकॉज लकड़ी जो है ईजिली अवेलेबल होता है और बारिश के दिनों में भी लोग जो है लकड़ी संजो के रखते हैं और उस पर खाना बनाते हैं, लेकिन उसका क्या हेल्थ हैजर्ड है उसको कई बार हमको जानकारी नहीं होता है। हमको लगता है कि पहले से चला आ रहा है तो हम उस पर भी मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई हानि नहीं है, लेकिन उससे जो है आपको आस्थमा की बीमारी हो सकती है, या फिर उसका जो कार्बन मोनोक्साइड निकलता है वो आपको हानि पहुंचा सकता है, ना केवल आपको बल्कि आपके परिवार में जितने लोग हैं उनको क्षति पहुंचा सकता है। तो उसका एक अल्टरनेटिव था कि गैस सिलेंडर। तो यहाँ पे कई सारे कंपनीज हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अब इंडियन ऑयल की तरफ से इंडेन का प्रोडक्ट भी यहाँ पे आ रहा है, तो अब हमारे पास ऑप्शन जो है और बढ़ गए हैं, और आपको किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है या किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 के आने के बाद उन्होंने जो उज्ज्वला की स्कीम लागू की, इस उज्ज्वला स्कीम के तहत इवन घर घर जितने भी हमारे बेनिफिशरीज थे, SECG के बेनिफिशरीज थे, उनको घर घर सिलेंडर मुहैया कराया गया। लेकिन एक दिक्कत अभी भी आती है जो कि हम लोग फेस करते हैं, पिछले 1-1.5 साल में मैंने दमन में भी ये दिक्कत देखी कि एक बार अगर हमने किसी को सिलेंडर मुहैया करा दिया, चाहे दादरा नगर हवेली में भी हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी आए थे हमने गैस सिलेंडर उनको दे दिया, लेकिन उसके बाद रिफ़िल कराने के लिए जो है उनको दिक्कत होती है, बिकॉज अगला जो सिलेंडर होता है रिफ़िल कराने के लिए उसके लिए 700-800 रुपये जो भी मार्केट रेट होता है सब्सिडी के बावजूद भी वो उनको देना पड़ता है। तो अगर किसी आदमी, तो आप बोलेंगे कि एक टाइम में आप जो है 800 रुपये दे के सिलेंडर बड़ा वाला ले जाओ, तो उसको लगेगा कि उसकी कमाई जो है अब लिमिटेड है, तो उसको 700-800 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इवन जो छोटा वाला सिलेंडर है इसकी कीमत उतनी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ 350 रुपये का है। तो इवन जो डेली वेज वर्कर भी है, आजकल डेली वेज जो मिनिमम वेज है वो भी 300 रुपये के आसपास हो गया है, तो ये सिर्फ एक दिन का या 2 दिन का जो मिनिमम वेज के बराबर जो है इसका रेट है, तो हर आदमी इसको अफोर्ड कर सकता है।
सब्सिडी लाओ, बिजली बचाओ। होटल रिवांटा, होटलों की दुनिया में एक अनोखा नाम, एन आइडियल डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर कॉर्पोरेट एंड फैमिली स्टेज। We have aesthetically designed comfortable and unique interior in our rooms. We have aesthetically designed comfortable and unique interior in restaurant and party hall. लजीज व्यंजनों के शौकीनों के लिए हमारे पास है मल्टीपल कुजीन शेफ्स। आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना हो, बर्थडे मीटिंग्स या और कोई प्रोग्राम्स अरेंज करने हो या कंफर्टेबल स्टे करना हो तो बेस्ट ऑप्शन इज होटल रिवांटा। एक्सपीरियंस द न्यू लक्जरी विद कंफर्ट एंड क्वालिटी। होटल रिवांटा, 3 बत्ती देवका रोड, नानी दमन।